दिन पूर्व मंगलौर कस्बा क्षेत्र में एक अज्ञात डेड बॉडी महिला की, जो बुजुर्ग महिला की थी, वो बोरे में मिली थी। जो स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस के द्वारा वहां पहुंचने पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस पर सर पर कोई वार करने के बाद या उसका गला दबाने से उससे हत्या हुई हो। क्योंकि जब स्थानीय लोगों से जानकारी की गई और सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो एक संदिग्ध लोडर को वहां से जाते हुए देखा गया था, जिसके लिए एक टीम को उस लोडर को तलाश करने के लिए आगे भेज दिया गया था। साथ ही साथ स्थानीय लोग से जानकारी मिली कि एक परिवार यहां रहता था मंगलौर कस्बे में 7 महीने पहले, जो सब्जी की दुकान लगाता था, वो भी अपने स्थान पर नहीं है। इस सब सूचना के आधार पर हमारी टीमों ने विश्लेषण किया और लोडर का फुटेज के आधार पर पीछा करते हुए बरेली पहुंचे, जहां पर धारा सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो यहां से गायब हुआ था सामान लेकर। उसको हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो बुजुर्ग महिला थी, ये भीख मांगने का कार्य करती थी और कुछ दिनों पूर्व मंगलौर क्षेत्र में इसने 80 रुपये उधार पर जो है ऋणा लिया था धारा सिंह से, और ये धीरे धीरे करते 7,000 रुपये उस पर उधार हो गया था। और इसी बहाने से जब उसको पैसे वापस नहीं मिल रहे थे तो इसने आवेश में आकर जो है गला दबाकर और वार करके, ईंटे से वार करके उसकी हत्या कर दी। क्योंकि हत्या करने के बाद उस शव को छुपाना चाह रहा था, क्योंकि इस महिला की, अज्ञात महिला की कोई शिनाख्त नहीं थी, कोई इसका परिवार का नहीं था, और बोरे में रख के ले जाने का प्रयास था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो उसको नहीं ले जा पाया और वो डेड बॉडी वहाँ पर रह गई। समस्त साक्ष्यों के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया, माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और इसमें चूंकि जो विक्टिम थी उसकी शिनाख्त नहीं पाई, उसके परिवार का भी जानकारी नहीं मिल पाई है, और इसलिए पुलिस ने स्वयं से इसमें 302 का मुकदमा दर्ज किया और धारा 201 की वृद्धि करके इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक टीम को वृद्धा की शिनाख्त के लिए भी लगाया गया कि वो कहाँ से आए थे, उसके परिवारजन का पता चले, जिससे कि आगे की इसमें कार्रवाई की जा सके।